आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कैमूर जिले के रामगढ़ में घर के गृह प्रवेश का समय दिखवाने आए बाइक सवार दो अपराधियों ने पंडित जी के 13 वर्षीय बच्चे प्रियांशु का अपहरण कर लिया, फिर उनके मोबाइल पर फोन कर 58 लाख रुपए की फिरौती मांग डाली। अपहृत बच्चे के पिता ने रामगढ़ थाने में कराया मामला दर्ज। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे में ही बच्चे को सकुशल किया बरामद। 13 जनवरी की शाम रामगढ़ थाना के कनरपुरा गांव में हुई थी यह घटना। मिली जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को कुछ लोग अशोक पांडे के दरवाजे पर आए और उन लोगों ने गृह प्रवेश की तिथि बताने के लिए कहा। जब हमने बोला कि अभी खरमास चल रहा है तो खरमास के बाद गृह प्रवेश होगा, तो फिर वह लोग दुकान का रास्ता बताने के लिए कहने लगे। मैंने छोटे बेटे प्रियांशु को उन लोगों को दुकान दिखाने के लिए कहकर भेज दिया, जिसके बाद वे लोग छोटे बेटे का अपहरण करके ले गए। काफी देर तक बेटा नहीं आया तो बेटे की काफी खोजबीन की गई, नहीं मिलने पर आकर थाने में मामला दर्ज कराया। फिर मेरे मोबाइल पर उन लोगों के द्वारा फोन करके 58 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। कैमूर एसपी राकेश कुमार ने बताया कि बच्चा गुम होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर बच्चे की बरामदगी कर ली है। बच्चे को यूपी के गाजीपुर के गांव में स्थित घर से बरामद किया गया है। घर वालों को भी पकड़ा गया है। अपहरण करने वाले दो लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। का बच्चा जो है प्रियांशु पांडे को परसों दिन शाम को 5 बजे अपहरण हो गए थे, क्या कारण था, किस कारण अपहरण हुए थे? इसलिए कि 5 बजे लोग आए दरवाजे पर विदामन चक ग्राम बता करके, और तब तक वो लोग बाहर निकले बच्चे को ले करके और मोटरसाइकिल पर बैठाए चले गए। तो इसके बाद आप क्या किए? इसके बाद पौन घंटा के बाद मैं छानबीन खोजने लगे, इस बच्चे को नहीं मिला, तो पूरा ग्राम के लोग उग्र होकर के इधर उधर दौड़ने लगे। तो क्या आपसे फोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से पैसा कभी मांग की गई थी? जी। कितना पैसा? पहला बार फोन आया तो 7 लाख का मांग किया गया जी। दूसरा बार फोन आया तो 58 लाख का मांग किया गया। अंतर्गत शाम को 8 बजे के लगभग वहाँ एक निवासी है, अशोक पांडे उनका नाम है, जो रामगढ़ थाना के अंतर्गत कर्णपुरा गांव है वहाँ के निवासी, उनका बच्चा है 13 वर्ष का जिसका नाम प्रियांशु है, उसको दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल से अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के 1-2 घंटे बाद में उनके पास में फिरौती की राशि मांगने के लिए एक मोबाइल नंबर से कॉल भी आया, जिसमें 8 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। इसी बीच में घर वालों ने रामगढ़ थाना से संपर्क किया, हम लोगों ने तुरंत इसमें प्राथमिकी दर्ज की रामगढ़ थाने में। इसके उपरांत SDPO मोहनिया उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें DIU की टीम और रामगढ़ थाना अध्यक्ष थे। इस टीम के द्वारा लगातार जिस नंबर से फिरौती मांगी जा रही थी उस पर काम किया गया, और हम लोगों ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 24 घंटे के अंदर उस सारी लोकेशंस को फाइंड आउट किया जहाँ से ये कॉल आ रहे थे, और फाइनली कल शाम को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जिला है वहाँ पर वीरपुर गाँव है, वहाँ पर रेड की गई, वहाँ पे सत्यनारायण तिवारी हैं, उनके घर से इस बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।